नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बड़े पैमाने पर शिक्षक नियोजन प्रक्रिया रद्द, गड़बड़ी सामने आने के बाद 400 नियोजन इकाइयों पर गाज। तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में प्रदर्शन का किया ऐलान। बढ़ती महंगाई के विरोध में 18-19 को सड़क पर उतरेगी राजद। बीपीएससी ने जारी किया सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट। तेजस्वी ने उठाया नीट एग्जाम में ओबीसी के लिए आरक्षण का मुद्दा, बोले मोदी सरकार ने ओबीसी कैंडिडेट्स की पीठ में खोपा खंजर। पंचायत चुनाव 2021 से पहले शराब तस्करों को भेजो जेल, बक्सर एसपी के निर्देश से मचा हड़कंप। बिहार में इन लोगों के लिए पंचायत चुनाव लड़ना हुआ मुश्किल, मुखिया सरपंच इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन कर सकता है आदेश जारी। बिहार में ट्रस्ट बनाकर लोगों से वसूली करोड़ों की राशि, लॉकडाउन में कंपनी हुई फरार, जिसके बाद हंगामा। बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के अलग अलग जिलों की 400 नियोजन इकाइयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पूरे मामले की जाँच और दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। दरअसल शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के दौरान हो रहे हंगामे और गड़बड़ी की शिकायत के बाद विभाग ने इसका संज्ञान लिया। विभाग की तरफ से जो प्रारंभिक जांच कराई गई, उसमें लगभग 400 नियोजन इकाइयों में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद यह नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गड़बड़ी करने वाली पंचायत के प्रतिनिधि हो या फिर पदाधिकारी, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने नियमों को अनदेखी कर नियोजन कराया है तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा, सभी के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। सरकार को सबसे अधिक गड़बड़ी ग्राम पंचायत की नियोजन इकाइयों में मिली है। मुजफ्फरपुर और शिवहर समेत कई जिलों में ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जहां गड़बड़ी सामने आई है। देश में तेजी से बढ़ती महंगाई को लेकर राजद ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बुधवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। तेजस्वी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एनडीए सरकार में महंगाई बेतहाशा तरीके से बढ़ रही है। इस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा है कि 18 जुलाई को सभी प्रखंड और 19 जुलाई को बिहार के सभी मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा है कि सरकार में आने से पहले एनडीए के लोग महंगाई कम करने का वादा करते थे। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। अगर ईंधन की कीमत बढ़ रही है तो अन्य चीजों की भी कीमतें बढ़ रही है। राजद ने यह निर्णय लिया है कि सड़क से लेकर सदन तक महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। खाद की कीमत आसमान छू रही है, किसान परेशान है। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन के सभी साथियों को एक साथ आने को कहा गया है। घटक दलों के नेताओं को जिलाध्यक्ष आमंत्रण देंगे। बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। यह भर्ती प्रक्रिया पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग में कुल 1257 रिक्तियों के लिए चल रही थी। परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आज जारी किया गया है। गौरतलब है कि लिखित परीक्षा का परिणाम 24 जनवरी 2021 को घोषित किया गया था। लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद इंटरव्यू के लिए कुल 3107 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। कोरोना के जांच के बाद अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल किया गया था। कोरोना की जांच के दौरान 75 अभ्यर्थी संक्रमित पाए गए थे। इनका इंटरव्यू बाद में लिया गया था। 25 से 27 जून तक इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग ने पहली बार इतनी अधिक संख्या में असैनिक इंजीनियरों का चयन किया है। बीपीएससी के अनुसार सबसे अधिक पद जल संसाधन विभाग में है। इसमें कुल 284 रिक्त पदों पर भर्तियां होनी है। इसके बाद योजना एवं विकास विभाग में 270 पद और ग्रामीण कार्य विभाग में 250 पद, वहीं पथ निर्माण विभाग में 236 पद रिक्त हैं। सबसे कम 31 पद लघु जल संसाधन विभाग में हैं, जिसे भरा जाएगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीट एग्जाम में पिछड़ा और अति पिछड़ा कैंडिडेट्स के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया है। नीट एग्जाम के जरिए मेडिकल संस्थानों में होने वाले एडमिशन में ओबीसी छात्रों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसे लेकर तेजस्वी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने बुधवार को ट्वीट कर देश के प्रधानमंत्री से पूछा है कि मोदी जी ओबीसी से घृणा क्यों है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी सरकार ने मेडिकल एंट्रेंस नीट के अखिल भारतीय कोटा में पिछड़ों का आरक्षण लागू किए बिना ही
प्रवेश परीक्षा की घोषणा कर हजारों पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। बीजेपी, आरएसएस और केंद्र सरकार पिछड़े वर्गों के सभी हकों को छीन उन्हें हलाल कर रही है। दरअसल अखिल भारतीय कोटा के तहत ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण केवल केंद्रीय संस्थानों तक ही सीमित है। तेजस्वी यादव ने अपने एक ट्वीट में ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस की ओर से एकत्र किए गए आंकड़ों को भी पेश किया है। डाटा के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होने से 2017 के बाद ओबीसी छात्रों को 11,000 से अधिक सीटें गंवानी पड़ी है। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले बक्सर एसपी के एक निर्देश से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। एसपी ने एक मीटिंग में कहा कि सभी शराब तस्करों को पंचायत चुनाव से पहले जेल भेजो। बता दें कि बिहार में अगस्त सितंबर में पंचायत चुनाव के ऐलान होने की संभावनाएं हैं। जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के आगाज और भूमि विवाद संबंधित मामलों को लेकर बक्सर एसपी नीरज कुमार ने कुरानसराय थाने में बुधवार को क्राइम मीटिंग आयोजित कर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों को टास्क दिया। उन्होंने पंचायत चुनाव से पूर्व शराब तस्करों पर नकेल कसते हुए जेल के सलाखों में भेजने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पंचायतों में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर शराब और शराब के तस्करों पर पुलिस को कड़ी नजर रखनी होगी। इसके साथ ही भूमि विवाद के निपटारे के लिए हर थानाध्यक्ष शनिवार को सीओ के साथ बैठक कर मामले को सुलझाएं और इसे अपनी पहली प्राथमिकता में शामिल करें। चौकीदार भी भूमि विवाद के गंभीर मामले को तत्काल अपने क्षेत्र के थानाध्यक्ष को सूचित करें ताकि लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं से बाधा न पहुंचे। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले जिला स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले निर्वाचन विभाग की ओर से बूथों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इधर बताया जा रहा है कि पिछले बार चुनाव लड़ चुके कैंडिडेट्स अगर अभी तक अपना डिटेल जमा नहीं कराए हैं तो उन्हें इस बार पंचायत इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं होगी। बताया जा रहा है कि 2016 का पंचायत चुनाव लड़ चुके कैंडिडेट्स अगर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन कार्यालय को नहीं जमा कराए हैं तो ऐसे में उनके लिए 2021 में पंचायत चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है। बताया जा रहा है कि जिला विभाग पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के लिए इस पर आदेश जारी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि 2016 के पंचायत चुनाव में सिवान जिले में पंच से लेकर जिला परिषद के जो उम्मीदवार थे अगर उन्होंने अपने चुनाव व्यय विवरणी रिपोर्ट अब तक जमा नहीं कराए हैं तो उन्हें अगले चुनाव में उम्मीदवारी बनने से अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। बिहार के मोतिहारी जिले के मधुबन स्थित मदर टेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर करीब 202 करोड़ का हेराफेरी का मामला सामने आया है। घटना के बाद महिलाओं ने मधुबन थाने के बंजरिया गांव के निवासी व मामले के आरोपी निर्भय कुमार यादव के घर पर रात्रि व सुबह में घर पर पहुंचकर भारी हंगामा किया है। दरवाजे का मेन गेट का दरवाजे खोलकर घर में घुसने का प्रयास भी किया। घटना के बाद मधुबन समेत 5 थाने की पुलिस बंजरिया गांव में कैंप कर रही है। घटना के बाद मामले में महिलाओं ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। इसका मुख्य आरोपी निर्भय फरार बताया जा रहे हैं। महिला गीता देवी, उमा देवी, एकता देवी, सीता देवी, सरिता देवी, सरोज देवी, अनीता देवी आदि ने बताया कि एक समूह में 20 महिलाओं का जोड़कर एक महिला से 22,500 रुपये लिया गया है। इसके बदले जीविका पोषाहार के तहत 2500 रुपये महीना 24 माह तक, बेटी के विवाह के समय 1,00,000 नकदी गर्भवती महिला को 9 महीने तक देने का वादा किया। 2 माह तक कुछ महिलाओं को दिया लेकिन इसके बाद से इसे बंद कर दिया गया। आयकर विभाग इस बार सालों से कम टैक्स दे रहे या आयकर देने में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। आयकर रिटर्न दायर करने वालों को केंद्रीयकृत तरीके से डाटा का विश्लेषण करने के बाद बिहार से 900 से ज्यादा लोग ऐसे सामने आए हैं जो पिछले 3 सालों से अपनी आमदनी की तुलना में कम टैक्स दे रहे हैं या अपनी आय को छिपा रहे हैं। इन लोगों को खास तौर से चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत जल्द ही इन सभी लोगों को नोटिस जारी करके स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। सही कारण नहीं बताने वालों के खिलाफ जुर्माना समेत अन्य सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 200 से 250 की संख्या में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 2016 में हुई नोटबंदी के बाद अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए कई स्तर पर इन्हें ठिकाना लगाया था। इन लोगों पर भी विभाग कार्रवाई करने की तैयारी में है। मीठापुर बस स्टैंड अब 20 जुलाई के बाद ISBT बेरिया में शिफ्ट होगा। इससे पूर्व इसका शिफ्ट होना मुश्किल है। इसका कारण ISBT में कई तैयारियों का बचा होना बताया जा रहा है।
जब तक जरूरी तैयारियां पूरी नहीं होंगी तब तक मीठापुर से बस स्टैंड को पूरी तरह से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इससे पूर्व 15 जुलाई तक इसे शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। मीठापुर से हर दिन हजारों की संख्या में बसें खुलती है, ऐसे में ISBT में बड़े स्तर पर सुविधाएं बहाल करनी है। फिलहाल ISBT में 6 जिलों के लिए करीब 600 बसें रोजाना खुल रही है, ऐसे में शेष 32 जिलों की बसें भी ISBT से खुलने लगेंगी तो यात्रियों और बसों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी की जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले 9वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि रविवार को जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू हो गई है। नियमित कोटि के अध्ययनरत एवं स्वतंत्र कोटि के स्टूडेंट्स विद्यालय प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई तक करवा सकते हैं। 31 जुलाई तक ही शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी है। www.secondary.biharboardonline.com पर जाकर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके लिए परीक्षा शुल्क नियमित कोटे के स्टूडेंट्स को 320 रुपये व स्वतंत्र कोटि के स्टूडेंट्स को 450 रुपये देना होगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।